नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कोविड-19 और दिल्ली का हाल के बारे में और खास तौर से अस्पताल की यहाँ क्या स्थिति। तो पहले चलिए देखते हैं दुनिया के आंकड़े, इसके बाद आते हैं दिल्ली और हिंदुस्तान के आंकड़ों पर। अगर दुनिया के आंकड़े देखेंगे तो देखेंगे कि अभी 80 लाख से ज्यादा लोग कोविड-19 की शिकार है और उसमें अमरीका एक नंबर स्थान पे है, ब्राजील दूसरा, रशिया तीसरा और हम मानी इंडिया चौथे स्थान पे दुनिया में है। पर अगर हम देखें न्यू केसेस को देखें कि पिछले 24 घंटे में सबसे कितने इन्फेक्शंस हुए हैं किस देश में, वो फिगर अगर देखेंगे तो हम देखेंगे हम तीसरे स्थान पे है। मतलब कि पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा जो बीमार हुए हैं वो पहले अमरीका ब्राजील, इसके बाद अमेरिका, तीसरे स्थान पे हम है। और यही लगभग मौत के बारे में भी देख सकते हैं। ये देखिए मौत की फिगर्स जो वर्ल्डोमीटर पे है, वो वहां अगर देखें तो वहां भी ब्राजील सबसे आगे है जितने पिछले 24 घंटे में जितने मौत है उसमें, इसके बाद अमेरिका, इसके बाद हम है। इसका मतलब इस वक्त हम अच्छे स्थिति में दुनिया के हालात को देखते हुए हमारे हालत भी उससे खास अलग नहीं है, बल्कि हमारी इस वक्त हालत हिंदुस्तान की और भी खराब होने की स्थिति में लग रहा है, आने जा रहा है। चलिए देखते हैं कि हमारी जो चार्ट है जिसको हम दिखाते हैं आपको, उसको पहले दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। पहले तो आप जानते ही हैं कि इस वक्त हमारे यहाँ करीब 3,43,000 लोग अभी तक कोविड-19 के शिकार है और जो नए केसेस है पिछले 24 घंटे में वो करीब 11,000 के लगभग है। नए डेथ्स है वो 380 के लगभग है। पर इससे जो चिंता की बात है कि हम टेस्ट कितना कर रहे हैं। अगर हम टेस्ट देखें तो पिछले दिन में 24 घंटे में हमने सिर्फ 1.5 लाख के टेस्ट किए हैं, अब 1.5 लाख के थोड़ा ऊपर हमने टेस्ट किए हैं। और इसीलिए अगर देखें 10-11 हजार की जो 24 घंटे में हमारी बीमारी निकल रही है, ये दिखाता है कि हमारे टेस्ट की संख्या काफी नहीं है। ये अभी इस वक्त खास तौर से उन प्रदेशों में चलें जहां पर बीमारी काफी फैली है, जैसे महाराष्ट्र है, वहां पर हम देखेंगे 1 लाख से थोड़ा ऊपर ही हम टेस्ट किए हैं पिछले हफ्ते में और उसमें 22,000 बीमार निकले। इसका मतलब है कि 5 लोगों को टेस्ट करते तो एक बीमार निकलता। दिल्ली की हालत देखें तो वो करीब उससे भी खराब ही है कहना पड़ेगा। कि देखिएगा यहाँ अगर 41,000 हम टेस्ट करते हैं तो उसमें 12-13 हजार हमारा इन्फेक्टेड निकल रहा है। इसका मतलब करीब 4 लोगों के या 3 लोगों टेस्ट करने से एक बीमार निकलता है। तो यहाँ पर मतलब टेस्ट फिगर्स हमारे 30% पॉजिटिव आ रहे हैं। दिल्ली के आसपास जो शहर है, जैसे गुड़गांव है, नोएडा है, उनके फिगर इस तरह से मालूम नहीं है हमें, इस तरह से अलग से नहीं दी जा रही है। पर हमारे जो जानकारी है इस पर गुड़गांव में खास तौर से टेस्टिंग बहुत कम है। कहा जा रहा है कि वहाँ 400-500 लोगों को टेस्ट हो रही है और करीब वहाँ 50% जो है पॉजिटिव निकल रहे हैं। इसका मतलब कि अभी भी हमारी टेस्टिंग जिस नंबर्स में होनी चाहिए उससे काफी कम है। तो इसका अगर जो हम चार्ट्स की बात करते हैं, चार्ट्स की बात देखें तो देखेंगे आप जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में इस वक्त 1,10,000 लोग बीमार है और ये करीब 20 दिन में डबल हुई है, मतलब डबलिंग रेट महाराष्ट्र की 20 दिन है। पर अगर आप देखेंगे जैसे तमिलनाडु है, दिल्ली है, इन दो प्रांतों को देखें, यहाँ पर डबलिंग रेट अभी भी 14 दिन की लगभग है। इसका मतलब हालत और भी खराब होने वाला है, खासतौर से दिल्ली और चेन्नई में और महाराष्ट्र में, खासतौर से मुंबई शहर में। अगर थोड़ी सी ग्राफ नीचे की तरह आ रही है, फ्लैटन होने की संभावना दिख रही है, फिर भी 20 दिन से ये जाके एकदम फ्लैट होने में, मतलब लोग ज्यादा और बीमार नहीं होंगे, उस तक पहुंचने में अभी भी अगर इस रफ्तार से चले अभी भी कम से कम 1-2 महीना और लगेगा। पर जैसे दिल्ली है, तमिलनाडु है, इनका
रफ्तार जो है बढ़ने की तरफ है, और यही चीज आपको तेलंगाना में धीरे धीरे दिखाई पड़ रही है, उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रही है। तो इसीलिए इन प्रांतों पर भी निगाह रखनी पड़ेगी यहाँ पर क्या होता है। अब आइए देखिए दिल्ली की जो हमने जिक्र किया था अस्पताल के बारे में, तो यहाँ पर अस्पताल की जो तस्वीर आई है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो केस भी आया है, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो इसका कॉग्निसेंस लेते हुए इसके बारे में अपना राय बताया और भी जानकारी मांगी है, काफी कड़े शब्दों में निंदा किया है खासतौर से LNGP लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल की, जहां पर जो दृश्य टेलीविजन तस्वीरों में ये तो अखबारों की तस्वीरों में आया था, उसका इसका जिक्र करते हुए वहां पर जो जजेस हैं उन्होंने 3-judge bench ने कहा था ये दृश्य बहुत दर्दनाक है, और जिस तरह से लोगों से खासतौर से मृतकों से और जो पेशेंट्स उनके साथ जो किया जा रहा है सलूक किया जा रहा है ये बहुत ही खराब लग रहा है। तो इसके बारे में आइए देखते हैं कि नंबर्स अस्पताल में क्या है, क्योंकि नंबर्स अगर बढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि अस्पताल की कैपेसिटी वो रहती नहीं है उनको देखभाल करने की, वहां पर ICU नहीं होते, ICU के साथ साथ वेंटिलेटर्स नहीं होते, तो जो खास तौर से जो बहुत ज्यादा बीमार होते हैं उनका देखभाल अगर नहीं होता तो मृतकों का संख्या बढ़ता है। तो इसीलिए मेजर चीज COVID-19 में ये नहीं है कि लोगों को सिर्फ बीमारी से बचाना, यह भी है कि अगर बीमार पड़ते हैं और सीरियस पेशेंट्स होते हैं तो उनको मौत से बचाना, और मुख्य चीज यही इस वक्त निकल के आ रही है, क्योंकि जो हमारी महामारी पे काबू पाने पाने की बात थी वो तो खत्म हो गई है। इस वक्त महामारी COVID-19 महामारी बढ़ रही है और काफी रफ्तार से बढ़ रही है देश में, इसीलिए अभी हमें देखना पड़ेगा अस्पताल की क्या स्थिति है। उसमें देखेंगे कि ये दिल्ली सरकार की जो आंकड़े है इस पे अभी भी दिखाता है कि लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल और गुरु तेग बहादुर अस्पताल में ये आपकी काफी बेड्स खाली है। तो सवाल है बेड्स खाली क्यों, और हमारे जो रिपोर्टर्स है वो जो गए हैं वहां पर बातचीत किए हैं लोगों से, उसमें साफ ये निकल के आता है कि वहाँ लोग जाना नहीं चाहते हैं कि वहां पर 3-4 घंटा सीरियस पेशेंट्स को बाहर इंतजार करना पड़ता, टेस्ट का रिपोर्ट के इंतजार करना पड़ता, एडमिशन बहुत देर पे मिलती है, एडमिशन के लिए बार बार आना जाना पड़ता है, तो ये एक हैरेसमेंट के तौर पे पेशेंट्स देखते हैं। इसीलिए जो सीरियस पेशेंट्स भी है वहाँ जल्दी भर्ती होना नहीं चाहते, इसके बाद अस्पताल की हालत वो तो अलग बात है, पर सिर्फ जो अवॉइडेबल पेन है कि कोई भी अस्पताल पे आए उसको जल्दी आप भर्ती कर ले, जो कोविड पेशेंट है उसको जल्दी टेस्ट करके रिजल्ट्स करके आप ट्रांसफर कर दे कोविड वार्ड में, जो कोविड आपको शनाख्त नहीं हुई है आइडेंटिफाइड नहीं है उनको ऐसी जगहों पर रखें कम से कम कुछ सहूलियत तो मिले, इसके बाद शिफ्ट करें कोविड वार्ड पे, जो सिर्फ दूसरे बीमार है उनको उनके साथ मिक्स ना करें, और जो सिर्फ टेस्ट के लिए आ रहे हैं उनको आप भर्ती नहीं होना है उनको भी इनसे अलग करें। तो ये जो सिंपल चीजें हैं जो सबको मालूम होनी चाहिए, अब चीन की तस्वीरें, चीन ने क्या किया है ये बहुत दिन से सबको मालूम है, WHO ने बड़े विस्तृत ढंग से इसको पेश किया दुनिया के सामने, वो न करके एकदम जिसको कहे एक ऐप बना दिया आपने और एक डैशबोर्ड बना दिया उससे काम हल नहीं हो जाता है, आखिर अस्पताल अस्पताल ही है, ऐप के जरिए नहीं चलता इंसान के जरिए चलता है, ये दिल्ली सरकार को लगता है पूरी तरह से इसका नजर उस पर था नहीं, उनका नजर था ऐप में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और आंकड़े बताने के लिए। आंकड़ों के बाद आप दिखाई है कि टेस्ट की संख्या कम हुई है और जो जून में जो टेस्ट है वो मई से कम है, ये बड़ी आश्चर्य की बात है जब जानते हैं हम कि बीमारी बढ़ रही है, और यही चीज ऑल्सो हमें देखने को मिलती है जब देखते हैं आंकड़े जो श्मशान घाट से आ रहे हैं, बेरियल ग्राउंड से आ रहे हैं, वहां से जब सेमेट्री से आ रहे हैं, इनकी अगर तस्वीर उनकी फिगर देखें तो वो फिगर दिल्ली सरकार के मृतकों से मिल नहीं रहा है और काफी ज्यादा है। तो इससे लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट इस वक्त थोड़ा सा फिगर्स को मरम्मत करने में लगी हुई है, न कि
एक्चुअल पेशेंट्स की देखभाल करना और कैसे इसको कंट्रोल किया जाए इसके बारे में सोचना। अब जो है कह रहे हैं कि टेस्ट बढ़ाएंगे, पर उसके साथ साथ ये नहीं कह रहे हैं किस रफ्तार से बढ़ाएंगे, कितने टेस्ट होंगे। और ये लार्जर फेलियर है भारत सरकार की, वो टेस्ट जिस रफ्तार से बढ़नी चाहिए थे उस रफ्तार से टेस्ट बढ़ी नहीं। हमको जो देखने को मिल रहा है अभी भी टेस्टिंग, आप देखिए पिछले 24 घंटे में 154,000 या 155,000 के लगभग हमने टेस्ट किए हैं, जबकि नए केसेस हमारे 11,000 के लगभग है। और ये जो आपको कहा कि तीसरे नंबर पे हम इस वक्त है कितने नए इन्फेक्टेड हो रहे हैं, इस पे टेस्ट की रफ्तार काफी बढ़नी चाहिए। हर बार हम कहते आए हैं टेस्ट की रफ्तार बढ़नी चाहिए, ये एकदम जो है बहुत धीमे गति से बढ़ रहा है। इस वक्त नंबर ऑफ टेस्ट टू नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस, ये एक्चुअली आंकड़े जो है अच्छा नहीं है, खासतौर से उन प्रांतों में जहां पर कोविड 19 की काफी केसेस है। केंद्रीय सरकार इस पे जोर ना देके वो अपने सिर्फ जो है बातचीत करने में लगे हुए हैं कि दूसरे सरकार कैसे ठीक नहीं काम कर रही है। आज तो अमित शाह ने कहा कि हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। अमित शाह एक हफ्ते पहले कह रहे थे ऑपोजिशन क्या किया, हमने तो ठीक काम नहीं किया, ठीक है हमारी कमजोरी रही है, पर दूसरों ने क्या किया है, इस ये बातें चल रही थी। इस वक्त जो चीजें साफ है कि लॉकडाउन की इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल गलत रहा, लॉकडाउन तब किया था जब सिर्फ 600 केसेस थे, अब जब सचमुच केसेस की मात्रा काफी बढ़ी है, अब लॉकडाउन हथियार के रूप में हमारे तुल से निकल गया है। ब्रह्मास्त्र पहले आपने छोड़ दिया जब आपको छोड़ना चाहिए था, उसकी तैयारी करनी चाहिए थी, और अगर लॉकडाउन आपने किया भी था तब कम से कम जो आपको वक्त मिला था उस पर अस्पताल के सुधारने की जरूरत थी वो आपने किया नहीं। आज हर चीज आपके सामने साफ है कि सरकार की व्यर्थता इस पर बहुत बड़ी एक भूमिका निभाई, एक भूमिका रही है। और इसके साथ साथ इकोनॉमी में आप कितना भी चून काम कर ले फिगर्स को, वो साफ है कि इस वक्त हमारा फिगर जीडीपी की फिगर जो पिछले साल से कम होने वाला है, वी आर लुकिंग एट एन एब्सोल्यूट रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन में पूरी तरह से पिछले साल से हमारी गिरावट आने वाली है। और इसका जो आर्थिक असर पड़ेगा बहुत बड़ा पड़ेगा, और वो भी पड़ेगा उन लोगों पे जो सबसे नाजुक स्थिति में है, जिसकी इकोनॉमिक अपने आर्थिक स्थिति सबसे खराब है, उन पर बहुत ही मार पड़ने वाली है इस कोविड 19 की महामारी से। और सरकार उसमें भी कोई कदम इस वक्त अभी तक नहीं उठा रही है कि ताकि उनको कम से कम कुछ सहूलियत हो। सिर्फ मनरेगा की आंकड़े थोड़ी सी बढ़ी है, ये भी अच्छी बात है कि चलो कम से कम ये तो हुई है, पर इससे अर्बन एरियाज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए अर्बन मनरेगा को भी बड़ा इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है ताकि लोगों के पास कुछ पैसे मिले, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की जरूरत है। और उसके साथ साथ जो अहम चीज है महामारी के लड़ने के लिए, इस वक्त टेस्ट करें आप, उसको टेस्ट करके उसको आइसोलेट करें, जो बीमार है अस्पताल में ले जाए और अस्पताल को स्ट्रेंथन करें ताकि वो ट्रीट कर सके उन लोगों को। जो केरल में जो कहा, केरल की हेल्थ मिनिस्टर ने जो दो चंद दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में कहा कि हमारा सिर्फ ये नहीं है कि टेस्ट के साथ हमें ट्रीट करने की जरूरत है, उनको आइसोलेट करने की जरूरत है। ये जो चीजें हम नहीं करेंगे तब तक हम इस महामारी पे अपना क्या कहते हैं महामारी पे काबू नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए हमारी ये चीजें इस वक्त अहमियत रखती है। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, देखते रहिएगा न्यूज़ क्लिक।